आगरा में जाने जंग बना, स्टूडेंट्स से तोड़ फोड़ की, लेकिन स्टूडेंट्स ने इंसानों को कुछ नहीं कहा था, लेकिन रेंजर्स ने इंटरनेट स्टूडेंट्स को बहुत मारा। रेंजर्स ने इन रिटर्न स्टूडेंट्स को मारा है, लड़कों के सर फाड़े। ये कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन और रेंजर्स एक तरफ है और स्टूडेंट्स एक तरफ, बिल्कुल हमारा साथ नहीं दे रहे थे ना कोऑपरेशन शो कर रहे थे। एक बच्ची का फोन भी तोड़ दिया गया कि उसने कहा कि मैं सोशल मीडिया पे ये चीज़ एक्सपोज करूंगी। क्लास के सीआरस को रात के 3 बजे फोन करके कहा गया कि अगर आपने किसी भी किस्म की इस पर कोई बयान दिया या कोई स्टैंड लिया सोशल मीडिया पे, तो हम आप साइबर सिक्योरिटी का केस कर देंगे, आपको कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। लाहौर में जितने भी पीजीसी के कैंपस हैं वहाँ पर तलबा का एहतजाज आज जारी था, क्योंकि तलबा का कहना है कि एक लड़की है जो कि फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और मुबैना तौर पर उसको ज्यादती का निशाना बनाया गया है कॉलेज के गार्ड की तरफ से। अब ये क्या मामला है, तलबा से बात करते हैं। लेकिन तलबा यहाँ पर पुरअमन एहतजाज करने के लिए आए थे, लेकिन पुलिस की जानिब से, कॉलेज की इंतजामिया की जानिब से उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। बहुत सारे तलबा ऐसे हैं जो इस टाइम हॉस्पिटल में मौजूद हैं और बहुत सारे तलबा यहाँ पर भी जख्मी हालत में मौजूद हैं। बात करते हैं इनसे कि आखिर मामला है क्या। इंतजामिया की जानिब से अभी तक इनको कोई ऐसी स्टेटमेंट दी गई है कि जिससे इनको इत्मीनान हो कि हाँ भी हम लोगों को इंसाफ मिलेगा। इस मामले में किस हद तक सदाकत है, बात करने की कोशिश करते हैं तलबा से। अब यहाँ पे जो पुलिस का रवैया है वो भी आप लोग साथ साथ फुटेज में देख रहे हैं कि वो किस तरह से तलबा के ऊपर बदतरीन तशद्दुद कर रहे हैं, उनको यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तलबा बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हैं और पीजीसी के जितने भी कैंपस हैं, तमाम कैंपस के बाहर आज यही मनाजिर देखने को मिल रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि प्रोटेस्ट करने के लिए अपने कॉलेज से बाहर निकलना चाह रहे थे। लेकिन तलबा का ऐसा कहना है कि उनको क्लासरूम में बंद कर दिया गया, क्लासरूम को बाहर से लॉक कर दिया गया, उनको हरेस किया गया है। अब ये एक वो मामला है कि जिसको कॉलेज की इंतजामिया की तरफ से इसको खुद देखना चाहिए था और ये नौबत आने ही नहीं देनी चाहिए थी कि यहाँ पर तलबा प्रोटेस्ट के लिए बाहर आते, लेकिन क्योंकि इंतजामिया की तरफ से इस तरह का कोई रिस्पांस नहीं मिला तो तलबा ने इस मामले को रेस किया, तलबा ने इस मामले के बारे में बात की और वो बात अब इस लेवल तक आ गई है कि ना अब इंतजामिया उनका साथ दे रही है और ना ही जो पुलिस है वो उनका साथ दे रही है। तलबा का कहना है कि जो हमारी स्टूडेंट, जो हमारी लड़की, जो हमारे कॉलेज की हमारी क्लास फेलो थी, जो हमारी क्लासमेट थी, उसके साथ ज्यादती की गई है। हम लोगों ने खुद उसको बाकायदा तौर पर जख्मी हालत में, बहुत बुरी हालत में उसको हम लोगों ने एम्बुलेंस में जाते देखा है। कॉलेज की इंतजामिया ने इस बात को दबाने की कोशिश की है, ना ही अभी तक गार्ड जिसका नाम ऑन बताया जा रहा है उसको अरेस्ट किया गया है। पुलिस का कहना है कि हम लोगों ने गार्ड को अरेस्ट कर लिया, लेकिन तलबा किसी सूरत भी इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है और एक ही बात पर बाजिद है कि इस चीज को दबाने की कोशिश की जा रही है। जो तलबा यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए मौजूद है उनको भी धमकियां दी जा रही है कि आप लोगों का दाखिला रोक लिया जाएगा या आपको कॉलेज से एक्सपेल कर दिया जाएगा। स्टूडेंट इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोग कब से आए हुए हैं प्रोटेस्ट में? तो बहुत ज्यादा आप लोगों के साथ मारपीट की जा रही है, हम लोगों ने सुना था पुरअमन प्रोटेस्ट है ये, तो ये सब क्या हुआ यहाँ पे? हम नियरली 11 बजे से यहाँ पे आए हुए हैं और जहाँ पुरअमन प्रोटेस्ट की बात है, यहाँ पे स्टूडेंट्स ने बहुत तोड़ फोड़ की, लेकिन उन्होंने किसी को मारा नहीं, लेकिन रेंजर्स ने इन रिटर्न स्टूडेंट्स को मारा है, लड़कों के सर फाड़े। इवन हमारे अपने भाई भी थे उसमें, हमें लग रहा था कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन और रेंजर्स एक तरफ है और स्टूडेंट्स एक तरफ, बिल्कुल हमारा साथ नहीं दे रहे थे ना कोऑपरेशन शो कर रहे थे। अभी तक कॉलेज की इंतजामिया की तरफ से आप लोगों को कोई इंसाफ की या इस चीज़ को एडमिट करने के लिए कि हाँ वाकई में ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि अभी तक तो वो डिनाई है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, फेक न्यूज़ है, क्या कहेंगे इस बारे में? कि हुआ ये एक पुलिस अंकल थे, उन्होंने बोला गार्ड को हमने पकड़ लिया है, और कुछ ही देर बाद कहते हैं नहीं ये फेक न्यूज़ है मैडम, अंदर छुप के बैठी हुई है ना ये बता रही हैं, अगर वो सच्ची हैं तो सामने हमें पता लग जाएगा। हमने बोला एक दफ़ा के बयान दे दे अपना, बात खत्म हो जाएगी, वो छुप के बैठी हुई है ना आने दे रही है सामने, कहानियाँ सुना रही हैं, वो सही बता ही नहीं रहा कोई इधर ना, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। प्रिंसिपल की जानिब से या जो बाकी के जो आपके कैंपस है, तमाम तलबा को हरेस किया गया, क्लासरूम में बंद किया गया, हकीकत है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और एक बच्ची का फोन भी तोड़ दिया गया कि उसने कहा कि मैं सोशल मीडिया पे चीज़ एक्सपोज करूंगी। क्लास के सीआरस को रात के 3 बजे फोन करके कहा गया कि अगर आपने किसी भी किस्म की इस पर कोई बयान दिया या कोई स्टैंड लिया सोशल मीडिया पे, तो हम आप साइबर सिक्योरिटी का केस कर देंगे, आपको कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाएगा। जितने लड़के यहाँ पर जख्मी हुए हैं उनके बारे में कुछ डिटेल्स बताएंगे कि कितने हुए हैं? प्रोटेस्ट में नो इफ दैट्स ट्रू बिकॉज दैट्स रूमर, लेकिन सर बहुत के फाड़े गए, बल्कि टू बी ऑनेस्ट हम 3 लड़कियां थे, उन लड़कों ने बहुत रिस्पेक्टिवली एक दूसरे के हाथ पकड़े साइड पे ताकि हम भी तमीज रखें, होगा प्रोटेक्ट या इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने फीमेल टीचर्स को मारा, हालांकि बहुत रिस्पेक्टिवली हमें आगे तक पहुंचाया, उन्होंने 3 लड़कियां थी बस, और वो बहुत बड़ा क्राउड था, उन्होंने हाथ पकड़ पकड़ के हमारे बीच में से रास्ता बनाया, हम क्रॉस करके घर वहाँ तक। कैंपस को देख के लग रहा है मैदान जंग बना, स्टूडेंट्स से तोड़ फोड़ की है, लेकिन स्टूडेंट्स ने इंसानों को कुछ नहीं कहा था, लेकिन रेंजर्स ने इंटरनेट स्टूडेंट्स को बहुत मारा। आप लोगों को कोई यकीन दहानी हुई है? 5-6 घंटे गुजर गए हैं, कुछ आप लोगों को ऐसी स्टेटमेंट मिली है इंतजामिया की तरफ से? नहीं, ये कर रही है इंतजामिया, ये देख लेंगे इंतजामिया कर रही है हमारे साथ। उस वक्त से लड़कों के सर फाड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर डंडे बरसा रहे हैं। तमाम कैंपसेस के बाहर हुआ प्रोटेस्ट?
जी बिल्कुल हुआ है। आप लोगों के सामने है जिस तरह से पुलिस इनके साथ कर रही है और जिस तरह से लड़कियां जो कह रही हैं कि हम लोग पूरा मन ही करना चाह रहे थे लेकिन उसको पूरा मन रहने नहीं दिया गया।